प्रिय दर्शकों नमस्कार, आप सभी का एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आरपी शर्मा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में होली के उत्सव की चर्चा करेंगे। इस पर्व को नवान्नेष्टि यज्ञ पर्व भी कहा जाता है। खेत से नवीन अन्न को यज्ञ में हवन करके प्रसाद लेने की परंपरा भी है, उस अन्न को होला कहते हैं। इसी से इसका नाम होलिकोत्सव पड़ा। होलिकोत्सव मनाने के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। यहां हम कुछ प्रमुख मतों का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। एक समय की बात है, राक्षसों के राज्य में हिरण्यकश्यप नाम का एक शक्तिशाली राजा रहता था। वह अहंकारी था और खुद को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्राणी मानता था। उन्होंने मांग की कि हर कोई उन्हें भगवान के रूप में पूजे। हालांकि उसका अपना पुत्र प्रह्लाद भगवान विष्णु का भक्त था, जिससे हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद को विष्णु को त्यागने और उसकी स्वयं की पूजा करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन प्रह्लाद अपनी भक्ति में दृढ़ रहा। अपने पुत्र की अवज्ञा से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद से छुटकारा पाने के लिए एक नई योजना बनाई। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसके पास वरदान था कि वह आग से प्रतिरक्षित थी, यानी आग का उसके ऊपर कोई प्रभाव या असर नहीं होता था। होलिका अपने भाई की मदद करने के लिए तैयार हो गई और प्रह्लाद को गोद में लेकर अलाव में बैठ गई। लेकिन जैसे ही आग की लपटें उठी, एक चमत्कार हुआ। प्रह्लाद ने अटूट विश्वास के साथ भगवान विष्णु के नाम का जप किया, जबकि होलिका का वरदान बेकार साबित हुआ क्योंकि उसके इरादे बुरे थे। अंत में होलिका आग में जलकर नष्ट हो गई, जबकि प्रह्लाद भगवान विष्णु की दिव्य कृपा से संरक्षित होकर सुरक्षित बच गया। यह चमत्कार देखकर हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हो गया। उसने प्रह्लाद को चुनौती दी कि वह उसे दिखाए कि उसके विष्णु कहां रहते हैं। प्रह्लाद ने शांति से उत्तर दिया कि विष्णु हर जगह, यहां तक कि सबसे छोटे परमाणु में भी वे निवास करते हैं। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में आकर अपनी गदा से एक स्तंभ को तोड़ दिया और विष्णु से स्वयं को प्रकट करने की मांग की। टूटे हुए खंभे से भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, जिनका शरीर आधा मनुष्य और आधा शेर। नरसिंह ने तेजी से हिरण्यकश्यप को हरा दिया। इस प्रकार हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा से प्राप्त वरदान पूरा हुआ, जिसने सुनिश्चित किया कि उसकी मृत्यु ना तो अंदर या बाहर, दिन या रात के दौरान, ना ही मनुष्य, जानवर या भगवान द्वारा हो सकती है। प्रह्लाद की अटूट आस्था और भक्ति ने अपने पिता के अहंकार और क्रूरता पर विजय प्राप्त की थी। तब से प्रह्लाद ने धर्म पूर्वक शासन किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। इस होलिका दहन के पश्चात ही होलिका उत्सव मनाया जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस पर्व का संबंध काम दहन से है। भगवान शंकर ने अपनी क्रोधाग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था, तभी से इस त्योहार का प्रचलन हुआ। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत 8 दिन होलाष्टक मनाया जाता है। भारत के कई प्रदेशों में होलाष्टक शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काटकर उसमें रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े बांधते हैं। इस शाखा को जमीन में गाड़ दिया जाता है। सभी लोग इसके नीचे होली का उत्सव मनाते हैं। इस दिन आम्र मंजरी तथा चंदन को मिलाकर खाने का बड़ा महात्म्य है। कहते हैं जो लोग फाल्गुन पूर्णिमा के दिन एकाग्रचित से हिंडोले में झूलते हुए श्री गोविंद पुरुषोत्तम के दर्शन करते हैं, वे निश्चय ही वैकुंठ लोक में वास करते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि एक बार नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन सब लोगों को अभयदान देना चाहिए,
जिससे संपूर्ण प्रजा उल्लास पूर्वक हंसे। बालक गांव के बाहर से लकड़ी कंडे लाकर ढेर लगाए, होलिका का पूर्ण सामग्री सहित विधिवत पूजन करें और उसके बाद होलिका दहन करें। ऐसा करने से सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं की ये कहानियां विश्वास, धार्मिकता की शक्ति और अंततः बुराई पर अच्छाई की विजय के बारे में मूल्यवान सबक सिखाती हैं। प्रिय दर्शकों, आप सभी को होली की अनेकानेक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और भविष्य में रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियोस का कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। ओम नमः शिवाय।